हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपका हाई स्कूल साइंस 2020 का सेट नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं और आज हम इसका पार्ट नंबर सी यानी बायोलॉजी वाला पोर्शन जो है सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ए है, पोलन सैक कंटेन, यानी जो पोलन सैक होते हैं उनमें क्या मौजूद रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए, यानी पोलन सैक को हम एंथर के नाम से भी जानते हैं और जो क्या है, फ्लोवर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका एक हिस्सा है पोलन सैक और एंथर। ऑलवेज कंटेन पोलन ग्रेन्स, यानी जो मेल गैमेट्स होते हैं वो जो है पोलन सैक के अंदर मौजूद रहते हैं, जिनको हम पोलन ग्रेन्स के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वी, द मेन फंक्शन ऑफ द जाइलम इन प्लांट इज, यानी जो जाइलम है एक कॉम्प्लेक्स कनेक्टिंग टिश्यू है जो प्लांटों में पाया जाता है और इसका जो मेन फंक्शन है वो है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना और वाटर का कंडक्शन करना। इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द वाटर कंडक्शन। नेक्स्ट, द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, यानी जो ह्यूमन ब्रेन है वो किस लिए होता है। देखिए, थिंकिंग, बॉडी बैलेंस, हार्ट बीट, यानी इसका जो है ऑल ऑफ दिस ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यानी सभी जो है ये जो फंक्शन इसमें दे रखे हैं वो सभी क्या है, ब्रेन के वर्क है। इसलिए क्या है, वैसे भी ये क्वेश्चन देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है आपका उससे लिया गया है और ये चैप्टर जो है जो 30% कोरोना के कारण रिड्यूस हुआ है सिलेबस उसमें रिड्यूस हो चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं आने का। नेक्स्ट इज द होमोलोगस ऑर्गन आर डीप, यानी होमोलोगस ऑर्गन, ऑर्गन्स और यानी होमोलोगस ऑर्गन कैसे कहा जाता है। होमोलोगस ऑर्गन हम उन ऑर्गन को कहते हैं जिनका जो बनावट है वो एक जैसी हो और जो उनका फंक्शन है वो अलग अलग होता है। यानी ऐसे ऑर्गन जिनकी बनावट एक जैसी है और जो फंक्शन है वो अलग अलग होता है उनको हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। देखिए इसमें ऑप्शन देखते हैं, आवर हैंड एंड फोर आर्म ऑफ द डॉग्स, यानी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यानी हमारे जो हाथ हैं और जो कुत्तों के अगले पैर होते हैं उनकी बनावट सेम ही है। यानी जैसी हड्डियां हमारे हाथ में पाई जाती हैं वैसी क्या है, जो डॉग है उसके जो अगले पैर होते हैं उनमें पाई जाती है। इसलिए क्या है, ये ऑर्गन होमोलोगस ऑर्गन है, बट फंक्शन जो है डिफरेंट है, क्योंकि जो डॉग के पैर होते हैं वो उसको रन करने में दौड़ने में मदद करते हैं, हमारे हाथ जो है अलग अलग फंक्शन में जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए यही जो है होमोलोगस ऑर्गन के एग्जांपल है, फोर आर्म ऑफ डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर स्टोमेटा, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस। स्टोमेटा क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस हमें एक्सप्लेन करनी है। स्टोमेटा इन प्लांट्स वेरी माइन्यूट पोर्स आर प्रेजेंट इन द लीव्स दीज पोर्स आर known as stomata। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियाँ होती हैं और जो हरे पार्ट होते हैं पेड़ पौधों के उनमें बहुत ही माइन्यूट से पोर, बहुत ही बारीक बारीक पोर होते हैं, यानी छेद होते हैं और उन छेदों को हम स्टोमेटा कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक लीफ ड्रॉ करी है, इसमें क्या बहुत ही बारीक बारीक छेद होंगे, बहुत ही माइन्यूट से पोर होंगे जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं।
इनकी क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं जो सांस लेते हैं यानी जो रेस्पायरेशन करते हैं वो इन स्ट्रोमेटा के थ्रू ही करते हैं, यानी एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। जो प्लांट्स होते हैं ये गैसेस एक्सचेंज जो करते हैं थ्रू स्ट्रोमेटा ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर टूथ एक्सप्लोइटेशन, एक्सप्लेन इट। यानी टूथ एक्सप्लोइटेशन क्या है इसको हमें एक्सप्लेन करना है। दिस इज द ए पार्ट एंड सेकंड इज द बी। टूथ एक्सप्लोइटेशन, व्हेन वी ईट फूड देन सम पार्ट ऑफ फूड रिमेन अटैच टू अवर टीथ। दिस फूड is decomposed and convert into acid by microorganism. This acid cause damage our teeth. This is known as tooth exploitation. यानी जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने का कुछ हिस्सा हमारे दांतों पर चिपका हुआ रह जाता है और ये हिस्सा हमारे मुंह के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं उनके द्वारा डिकम्पोज कर दिया जाता है और एसिड यानी अम्ल में परिवर्तित कर दिया जाता है। और यही एसिड क्या है हमारे दांतों को गलाना स्टार्ट कर देता है और इसी को कहा जाता है टूथ एक्सप्लोइटेशन, या फिर इसको हम सामान्य लैंग्वेज में कहते हैं कीड़ा लगना, यानी दांतों पर कीड़ा लग गया। जबकि इस तरह का कोई कीड़ा नहीं होता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो एसिड बनाया जाता है, बीक एसिड, कार्बोनिक एसिड जैसे, तो यही हमारे दांतों को गलाना स्टार्ट कर देता है, डैमेज कर देता है, इसी को हम कहते हैं कीड़ा लग गया दांतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स एक्शन। यानी रिफ्लेक्स एक्शन से आप क्या समझते हैं? ये जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है। वैसे रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? एक अनकंट्रोल्ड एक्शन होता है जो वॉलंटरी ऑर्गन होते हैं उनमें, लेकिन ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर्स आने की वजह से 30% में रिड्यूस हो गया है, ये टॉपिक नहीं आने का आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांसपायरेशन। यानी ट्रांसपायरेशन क्या है? एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस विद डायग्राम। यानी ट्रांसपायरेशन क्या है इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है हमें डायग्राम के द्वारा। अलेवन का ए, ट्रांसपायरेशन यानी द रिमूवल ऑफ वाटर in the form of
बॉर्डर वे पर थ्रो स्टोमेटो इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। यानी पेड़ पौधे से पानी का पानी की भाप के रूप में निकलना ही ट्रांसपायरेशन कहलाता है। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसे हमें जो है एक डायग्राम के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करना है। इसी का नेक्स्ट पार्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी पेड़ पौधे में ट्रांसपायरेशन का क्या महत्व होता है। तो देखिए इसको हम एक सिंपल डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके लिए हम एक ट्री या किसी भी प्लांट का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज़ द रूट्स ऑफ द प्लांट, ये रूट्स हैं और रूट्स जो है डिफरेंट डिफरेंट शेप की डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है ग्रो करती हैं प्लांट्स में। दीज आर द मेन ब्रांचेस ऑफ द प्लांट। दीज आर द लीव्स ऑफ द प्लांट। यहाँ पर हमने क्या है एक कोई ट्री का डायग्राम ड्रॉ कर दिया। देखिए इसको अगर हमें समझना है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी हम लोग अपने ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं। भाई हम लोग हैं, हम लोगों को भूख यानी हंगर लगता है तो हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ईट फूड। अगर हमें मान लीजिए भूख लगनी बंद हो जाए तो हम खाना भी खाना बंद कर देंगे। यानी कुछ ऐसे ही पेड़ पौधे में होता है, यानी जब ट्रांसपायरेशन होता है यानी जो पानी है वो क्या होता है इनके जो ब्रांचेस होती हैं उनसे जो है एवोपरेट हो जाता है, भाप बनकर निकल जाता है, तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है। यानी यहाँ पर H2O यानी जो वाटर है वो निकल गया, ऊपर वाले हिस्से में पानी की कमी हो गई। और देखिए जब ऊपर वाले हिस्से में पानी की कमी हो जाती है तो जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो वाटर है वो जाइलम के थ्रू जो है अलग अलग हिस्सों तक दोबारा भेज दिया जाता है। अगर ऊपर जब पानी की कमी नहीं होगी तो जो पानी जड़ों द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है वो ऊपर कभी नहीं भेजा जाएगा, यानी नीचे का नीचे रहेगा, या फिर जड़ें जो है एब्जॉर्ब करना पानी को बंद कर देंगे। जैसे कि भी मान लीजिए हमें भूख नहीं लगी तो हम खाना छोड़ देंगे। अब भी देखिए जब हम खाना छोड़ेंगे तो हमें जो फूड से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं वो मिलने बंद हो जाएंगे। अब जब वो मिलने बंद हो जाएंगे तो हमारी बॉडी का जो ग्रोथ और जड़ डेवलपमेंट हो रहा है वो नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा। कुछ वैसे होता है यानी जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, वाटर के साथ साथ जो प्लांट न्यूट्रिएंट मिट्टी के अंदर मौजूद हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा वाटर का तो प्लांट न्यूट्रिएंट भी क्या होगा, प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किए जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा प्लांट के अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी और इसकी ग्रोथ इसका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो भी रुक जाएगा। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज बाइल जूस। बाइल जूस क्या है, वेयर इट इज सिक्रेटेड, ये कहाँ बना बनता है और कहाँ स्टोर होता है बाइल जूस। यानी पित्त रस इसे हिंदी में कहा जाता है। इट इज अ ग्रीन टू येलोइश ब्राउन कलर फ्लूड कंटेन एसिड विच डाइजेस्ट फूड। यानी बाइल जूस जो है एक
जब उत्पन्न होता है तो ये डार्क ग्रीन कलर का होता है, यानी जब ये प्रोड्यूस किया जाता है, लीवर इसको प्रोड्यूस करता है, यानी सिक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। यानी जब लीवर बाइल जूस को बनाता है तो ये गहरे हरे रंग का होता है, और जब ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है तो ये पीले रंग का होता है। यानी जो बाइल जूस है ये क्या है, डार्क ग्रीन टू येलो इस ब्राउन कलर का एक फ्लूड है जिसके अंदर एसिड होते हैं, और ये एसिड क्या है, खाने को पचाने में मदद करते हैं, यानी स्पेशली फैट, यानी जो बसा वाले पदार्थ हैं, जो चिकनाई वाले पदार्थ हैं, उनको पचाने में मदद करने वाला बाइल जूस होता है। और इसके अंदर जो मौजूद एसिड्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो उनके द्वारा ही क्या करता है, ये खाने को पचाने में हमारी मदद करता है। बनाया जाता है लीवर के द्वारा, इकट्ठा हो जाता है ये पित्त में, यानी जो पित्त की थैली होती है उसके अंदर जाकर ये इकट्ठा होता है, और वहीं से थोड़ा थोड़ा करके जो है ये हमारे खाने के अंदर मिलता रहता है। क्योंकि देखिए ये जो है जब इकट्ठा होता है तो गाल ब्लैडर के अंदर ये पीले रंग का हो जाता है, और पीले रंग का ही हमारे खाने के अंदर मिलता है, जिस वजह से जो हमारी बॉडी से जो अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल निकलता है वो पीले रंग का होता है, चाहे हम खाना किसी भी कलर का खाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी, हु इट्स फाउंडर एंड डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी बी, दिस इज द और क्वेश्चन, हेरिडिटी क्या है, यानी द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम वन जेनरेशन टू अदर इज नोन एज हेरिडिटी। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो करैक्टर ट्रांसफ़र होते हैं उसी को कहा जाता है हेरिडिटी। यानी ये जो बहुत सारे लक्षण, बहुत सारे गुण जो है एक पीढ़ी से, यानी माता पिता से उनके बच्चों में जाते हैं, वही हेरिडिटी कहलाता है। और इसके जो फाउंडर हैं वह हैं ग्रिगर जॉन मेंडल, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स भी हम इनको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट आर पोलन ग्रेन्स, वेयर आर दे फाउंड, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। यानी पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनेशन है उसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पोलन ग्रेन्स। ग्रेन्स यानी द मेल गैमेट्स ऑफ द फ्लावर प्लांट इज नोन एज पोलन ग्रेन्स। यानी जो पोलन ग्रेन होते हैं ये क्या है, किसी भी फ्लावर वाले प्लांट के मेल गैमेट्स होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में देखिए, पहला क्वेश्चन भी था, यानी एमसीक्यू का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो यही था, पोलन सैक कंटेन, यानी पोलन ग्रेन, जो पोलन सैक जो होता है उनमें पोलन ग्रेन मौजूद रहते हैं, इसलिए इसका आंसर भी जो है इसी क्वेश्चन पेपर में छुपा हुआ है। तो पोलन ग्रेन कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, दे आर फाउंड इन पोलन सैक।
ये पोलन सैक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, यानी टाइप्स ऑफ पोलिनेशन देर आर टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, फर्स्ट इज द सेल पोलिनेशन, यानी द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज नोन एज सेल्फ पोलिनेशन, यानी पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना एक ही फूल के सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। यानी जब पोलन ग्रेन क्या है, एक ही फूल के यानी एंथर से उसी फूल के स्टिग्मा तक पहुंचता है तो वो सेल्फ पोलिनेशन होता है। और दूसरा है क्रॉस पोलिनेशन, यानी द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर इज नोन एज क्रॉस पोलिनेशन, यानी जब पोलन ग्रेन अलग अलग फूल के एंथर से अलग अलग फूल के स्टिग्मा तक पहुंचता है तो वो क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। लेकिन दोनों ही क्या है, फूल सेम काइंड होने चाहिए, एक ही प्रकार के, यानी एक सरसों है तो दूसरा भी सरसों का फूल होना चाहिए, एक गुड़ल है तो दूसरा भी गुड़ल का ही फूल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट डू यू मीन बाई नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स आप क्या समझते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस यानी नेचुरल रिसोर्सेस द रिसोर्सेस विच आर गिवन बाय नेचर, यानी नेचर के द्वारा दिए जाने वाले जो रिसोर्स होते हैं उन्हीं को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। यानी ये ऐसे रिसोर्स होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए, हमारी जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, इनके बिना जीवन पॉसिबल नहीं हो पाता है। इन सभी के एडवांटेज पूछ रहे हैं हमसे, जैसे इसमें क्या है, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है एडवांटेजेस, यानी क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं हमें ये जो नेचुरल रिसोर्स हैं उन सभी से। तो इसको देखिए, वैसे भी ये डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया है तो हम डिटेल के हिसाब से आंसर देंगे। एडवांटेजेस यानी लाभदायक जो फ़ायदे हैं उन सभी को हमें देना। तो इसमें क्या है, देखिए हम जैसे लिखेंगे बेनिफिट्स ऑफ वाटर या एडवांटेजेस ऑफ वाटर, जो नेचुरल रिसोर्स है उनके सेपरेटली जो है हम बेनिफिट्स या एडवांटेजेस यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। पहला जो है हम एग्जांपल ले लेंगे वाटर का, वाटर के जो है जो बेनिफिट्स होते हैं, वाटर के क्या फ़ायदे हैं उन सभी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। वाटर के हम कहाँ का इस्तेमाल करते हैं उन सभी को इस्तेमाल यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। वहीं इसके बाद हम बेनिफिट्स ऑफ सोइल, यानी जो सोइल है उसके जो है बेनिफिट्स यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे कि भाई हम किस तरह से जो है सोइल में पौधों को उगाते हैं, अगर सोइल नहीं होती तो हम पौधों को भी नहीं उगा पाते, यानी हम लोग नहीं उगा पाते। बेनिफिट्स ऑफ विंड, यानी जो हवा है, वायु है,
इसके जो बेनिफिट्स जो है हम जो है यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे किस तरह से क्या है। जो विंड्स है उसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड यानी लाइफ गिविंग गैसेस मौजूद हैं, किस तरह से क्या है। देखिए हम इसकी जो विंड के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, उन सभी को यहाँ डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट बेनिफिट्स ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो इसके भी जो है हम यहाँ पर बेनिफिट्स करेंगे कि पेड़ पौधों से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। इन सभी को देखिए हम वन बाई वन यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे और यही जो है डिटेल में क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट 12 का और है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू, यानी टू पर कोई है हमें शॉर्ट नोट लिखना है। ड्रा अ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, देखिए ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने इसका सेपरेट जो है वीडियो बना रखा है। आप हमारे वीडियो जो है चेक कर सकते हैं और वहाँ पर आपको इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट इज द ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। यानी देखिए द सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच आर इन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम आर नोन एज ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी ऐसे स्रोत जो काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल में है, पहले से जो है काफ़ी लंबे समय से प्रयोग में किए जा रहे हैं, उन्हीं को हम कहते हैं ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जैसे कोल, पेट्रोलियम और विंड। ये ऐसे एनर्जी के सोर्स हैं जो काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल में किए जाते हैं, आज भी किए जाते हैं, तो इसलिए क्या है ट्रेडिशनल सोर्सेस हैं एनर्जी के। नेक्स्ट इज द फूड चेन, यानी आहार श्रृंखला। इट इज अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंस ऑन अदर ऑन ईच अदर फॉर फूड, इस कॉल्ड फूड चेन। यानी जो हमारा नेचर है इसमें जो जीव हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है अपना खाना प्राप्त करने के लिए सभी लोग। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं प्लांट्स, यानी प्लांट्स तो क्या है ये प्रोड्यूसर होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और प्लांट्स के ऊपर क्या है बहुत सारे एनिमल्स डिपेंड है। इंसेक्ट भी क्या करते हैं अपना खाना जो है बहुत सारे इंसेक्ट जो है पेड़ पौधों से बनाते हैं, घास वगैरह से खाते हैं क्योंकि ये क्या है इनमें फोटोसिंथेसिस होती है, अपना खाना खुद बना सकते हैं सनलाइट और वाटर की हेल्प से। और इंसेक्ट के ऊपर क्या है देखिए फ्रॉग यानी मेंढक डिपेंड रहता है, यानी फ्रॉग जो है अपना इंसेक्ट को खाकर खाना बना सकता है, और फ्रॉग के ऊपर स्नेक डिपेंड रहता है, स्नेक के ऊपर ईगल डिपेंड रहता है। यानी ये जो इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर, यानी ईगल क्या है देखिए खाना बनाने के लिए इसके स्नेक के ऊपर डिपेंड है, स्नेक जो है खाना बनाने के लिए फ्रॉग के ऊपर डिपेंड है, फ्रॉग जो है खाना बनाने के लिए इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड है, इंसेक्ट जो है खाना बनाने के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड है। इसी को कहते हैं हम फूड चेन, यानी ये जो एक चेन जैसा स्ट्रक्चर बन गया है यही कहलाता है फूड चेन। अगर प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।